हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप वॉज़ोन मोबाइल प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक या रेनबो सिक्स मोबाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, खाली क्रोम में जाना है एंड क्रोम में जाकर आपको सर्च करना है APK प्योर, और वहाँ आप सर्च करने के बाद आप APK इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर आप जाइए, उस पर क्लिक करिए और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डाउनलोड APK का ऑप्शन आएगा, आपको खाली वो डाउनलोड कर लेना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में आ जाएगा APK प्योर, आपको APK प्योर ओपन करना है। सिंपल, अब बस यहाँ पे जाके आपको जो भी गेम चाहिए आप वो गेम का नाम टाइप करिए और वो गेम आ जाएगा। जैसे कि वॉर्जोन मोबाइल है, वॉर्जोन मोबाइल मिल जाएगा आपको। उसमें और भी बहुत सारे गेम जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे गेम से रेनबो सिक्स मोबाइल है, प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक है, मोबाइल लेजेंड से आप सब ले गेम डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड स्ट्राइक भी अगर आपको अभी फिलहाल रिलीज होने वाला और आपको खेलना है तो आप ईजिली उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसे आप डाउनलोड करके आप आराम से खेल सकते हैं। हाँ, ब्लड स्ट्राइक और वॉर्जोन मोबाइल के लिए आपको वीकेंड लगेगा खेलने के लिए एंड उसके लिए आप गियर बूस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि वेरी इजी इसमें आपको मिल जाएगा। मैंने ये सब डाउनलोड किया तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ वापस। और यहाँ पे आपको अपडेट्स का ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ अपडेट्स में आपको APK प्योर में अपडेट्स भी शो होगा, तो जैसे गेम्स के अपडेट्स आते हैं या गियर बूस्टर के अपडेट्स आते हैं आप डायरेक्टली इसको अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप वही ऐप और गेम अपडेट करें APK प्योर से जो आपने APK प्योर से इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी के ये सारे जो आप देख रहे हैं अपडेट्स, ये नहीं करना है क्योंकि ये आपके प्ले स्टोर से लिंक्ड है। अगर आप यहाँ से अपडेट करेंगे तो वो नहीं चलेंगे, उसमें क्रैश होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए खाली वो ऐप्स अपडेट करें जो आपके APK प्योर से डाउनलोड किया हुआ है एंड यहाँ पे आपके डाउनलोड हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपने जो भी गेम्स डाउनलोड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री में शो होगा। तो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है एंड ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप APK प्योर से वही ऐप्स अपडेट करेंगे जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है APK प्योर से, उसके अलावा कोई भी ऐप आप अपडेट नहीं करेंगे APK प्योर से। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने गेम में। अगर आप वॉर्जोन मोबाइल या ब्लड स्ट्राइक खेलना चाहते हैं आपको गियर अप बूस्टर ओपन करना रहेगा, उसमें आप सर्वर कनेक्ट करिए, एक ऐड आएगा आप ऐड देखिए और फिर गेम एंजॉय करिए। बस आज के लिए यही था वीडियो में, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।